अफेक्टिव सोशल एक्शन बाई मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन को चार टाइप में डिफाइन किया, उसमें से एक था ट्रेडिशनल, सेकेंड है अफेक्टिव सोशल एक्शन, मतलब खुद का इंटरेस्ट है तब ये काम करना। एक्शन इज नॉट ओरिएंटेड टू ए गोल और ए सिस्टम ऑफ वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं जो हम काम कर रहे हैं उसका कोई गोल है, कोई टारगेट है इसलिए हम कर रहे हैं, या हमें सिखाया गया ट्रेडिशनली इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेदर इट इज़ डिटरमाइंड बाई ए इमोशनल रिएक्शन, मतलब हम अपने इमोशंस की वजह से ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब हमारे कस्टम में है ऐसा कुछ नहीं है, या हमारा कोई करने का कोई ऐसा टारगेट है कि हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे एक्शन वो हैं जो इमोशंस की वजह से किए जा रहे हैं। इमोशनल रिएक्शन ऑफ द एक्टर, एक्टर या हर कोई वो इंसान है जो काम कर रहा है इन ए गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज, मतलब जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं वहाँ जो भी काम कर रहा है अपने इमोशंस की वजह से काम कर रहा है, वो सोशल जो भी सोशल एक्शन वो कर रहा है इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आने के बाद, तो वो है अफेक्टिव सोशल एक्शन। इट इन्वॉल्व, इसमें वो क्या क्या इमोशन हो सकते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ इमोशन जैसे कि लव, हेट, एंगर, फियर कुछ हो सकता है। कॉन्शियसनेस इज हायर देन द ट्रेडिशनल एक्शंस, जो ट्रेडिशनल एक्शंस होते हैं उसमें हम ज़्यादा कॉन्शियसली सोचते नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं कि बड़ों को इज्जत देनी है, किससे कैसे बात करनी है, तो ये सब चीज़ें हम बचपन से सीखते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। बट जो अफेक्टिव सोशल एक्शन है उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब ये कॉन्शियसली किए जाते हैं, जानबूझ के किए जाते हैं। इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज गाइडेड बाय देयर इमोशंस स्टेट, इमोशनल स्टेट एंड स्पॉन्टेनियस और इम्पल्सिव, कुछ भी हो सकता है भाई, आप इमोशंस में बह गए हो, ये गुस्सा आता तो सोच समझ के नहीं आता, तुरंत आ जाता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ या आपको कुछ करना है जैसे कि चैरिटी में दान देना है, तो ये आप सोच समझ के कर भी सकते हो, बट ऐसे भी कर सकते हो चलते फिरते भी, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं होता। तो ट्रेडिशनल से ज़्यादा कॉन्शियसली सोचना समझना इसमें होता है, बट इतना ज़्यादा वो नहीं होता इसमें कुछ, कि इसमें कोई टारगेट है, आपने अगर कोई दान में दिया है पैसा तो कुछ सोच समझ के टारगेट बना के दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन किया उस टाइम और आपने वो काम कर दिया। तो ये है अफेक्टिव सोशल एक्शंस। सच एक्शन इज अनप्लैंड, पर इसकी कोई प्लानिंग होती नहीं है, इमोशंस हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसी सिचुएशन हो, जैसे सर्कमस्टेंसेस हो, वैसे इमोशंस होंगे और वैसे हमारे एक्शन होंगे। सच एक्शन इज नाइदर रैशनल नॉर ट्रेडिशनल, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकली भी नहीं होते और ज़्यादा ट्रेडिशनली भी नहीं सोच समझ के किए जाते। तो अफेक्टिव सोशल एक्शन ऐसे हैं कि इमोशंस हमें अपने साथ भाग ले जाएँ और उसके उसमें हम जो काम कर जाएँ।